हेलो गाइस, विजय स्पोर्ट्स कटिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये वीडियो रहेगी ट्रैक सूट का जो ऊपर का पार्ट होता है जिसे बोलते हैं अपर, उस अपर की कटिंग कैसे करें या अपर का पैटर्न कैसे तैयार करें। एम एल और एक्सएल साइज का जो पैटर्न होता है, एनएस लाइक्रा जिसमें अस्तर डाला जाता है, उस अस्तर का अपर जो होता है उसका पैटर्न कैसे तैयार किया जाता है। और गाइस, अगर आप होलसेल रेट में हमारे पास से लोअर ट्रैक सूट या टी शर्ट खरीदना चाहते हो तो होलसेल रेट में सबसे सस्ता आपको हमारे पास से मिलेगा, जिसके लिए हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंत में देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हो तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एल साइज का जो ट्रैक सूट का अपर होता है उसका पैटर्न कैसे काटा जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। ये हमारे पास पैटर्न शीट बोलते हैं इसको, ये गत्ता होता है, इसको पैटर्न शीट बोलते हैं। इस पैटर्न शीट पे सबसे पहले हम एल साइज का फ्रंट काटेंगे, जो आगे का पार्ट होता है उसका पार्ट काटेंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास बिल्कुल सीधा है, तो इस तरीके से बिल्कुल हमने पहले ही सीधा काट लिया है इसको, और यहाँ पर ये जो हमने निशान लगा दिया है सीधा। अब मैं आपको बता दूँ, एल साइज की जो लेंथ रखेंगे हम वो रखेंगे 30 इंच। यहाँ पर 30 इंच पर निशान लगा देना है इस तरीके से, और जो हम इसकी बैक काटेंगे वो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर काटेंगे, वो रखेंगे हम 31 इंच, जो वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अब जो इसकी चेस्ट रहेगी, ये जो चेस्ट रहती है ये, यानी ये वाली चेस्ट, ये रहेगी 11.5 इंच, और इसका जो आर्मोल रहेगा, जो बाजू का आर्मोल रहता है वो भी 11.5 इंच रहेगा। तो चेस्ट और आर्मोल काटने के लिए हम यहाँ से 11.5 इंच पर निशान लगा देंगे यहाँ पर, और एक निशान यहाँ से 11.5 इंच पर और लगा देंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न किस तरीके से तैयार किया जाता है, जो बिल्कुल ही आसान है। अब यहाँ से 11.5 इंच हो गया, और यहाँ से भी हमें 11.5 इंच रखना है। 40 साइज के लिए जो एक चौथाई होता है वो रहता है 10 इंच, 10 चौक 40, और आपका 4 इंच रहेगा उसमें लूज, 10 40 और 4 44, और 2 इंच चला जाएगा दोनों साइड में दबाव में, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड से बैक से जाएगा और आधा आधा इंच दोनों साइड से फ्रंट से जाएगा। तो 46 का जो एक चौथाई होता है वो रहेगा 11.5 इंच। अब यहाँ से हम 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह। अब हमें यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाना है, आर्म जो हाला होता है उसका, अपर का जो कोलर का हाला होता है उसके लिए यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच निशान हो गया, यहाँ से 3.5 इंच निशान हो गया। अब यहाँ से हमें इसको हाले को घुमा देना है। ये हाला 3.5 इंच इसलिए रखा है क्योंकि हमारी जो एल साइज है ये, इसका कॉलर आना चाहिए 20 इंच। अब यहाँ से हमें 6 इंच पर कंधी का निशान लगाना है यहाँ से। अब यहाँ तक ये हो गया 9.5 इंच, और यहाँ तक हमारा था 11.5 इंच। तो यहाँ से 2 इंच रहा है, ये 2 इंच है ये निशान, और ये निशान रहेगा। अब हमें ये निशान और ये निशान मिला देना है। अब हमें यहां से 1 इंच का ढाल देना है इसमें, और इस निशान को यहां पर मिलाना है, यहां नहीं मिलाना है, यहां पर मिलाना है।
अब ये हमारा रह जाएगा 3.25 इंच और ये हो जाएगा 3.5 इंच। अब यहाँ से और यहाँ तक हमारा 18.5 बचा है, इसी तरह यहाँ से 18.5 पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशान को भी मिला देना है। अब गाइज यहाँ से ये था हमारे 11.5 इंच। अब हमें यहाँ से जो हिप होती है हमारी नीचे से वो थोड़ा छोटा होता है यानी नेड़ा होता है, तो यहाँ से हम 0.5 इंच कम कर देंगे, ये रखेंगे 11 इंच। अब इन दोनों निशानों को भी मिला देंगे। और यहाँ से इसमें ढाल देंगे। इसमें वो थोड़ा थोड़ा गहराई में ढाल देना है। अभी हमारे पास एल साइज का फ्रंट तैयार हो गया है, तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से हाला काट दिया है और ये हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों वीडियो ताकि अधिक लंबी ना होए इसलिए इसका जो बैक और बाजू की कटिंग जो हम करेंगे वो अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से इसकी बैक और बाजू की कटिंग की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारे पास एल साइज का सामना तैयार हो गया है। इस सामने के बाद अगली नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी इसके बैक और बाजू की रहेगी और कॉलर की रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।